सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहाँ पे तो हम लोग कवर करने वाले हैं एक इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 के लिए एक एनुअल का क्वेश्चन पेपर। सो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पूरे वीडियो को अंत तक। और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को सभी जगह शेयर करें ताकि सब तक फायदा हो सके। जो है आज का पेपर कौन सा है, हिंदी का है। तो चलिए 50 मार्क्स हिंदी का, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स कंडीशन आपको पता होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू होता है एक नंबर से। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन शब्द का विलोम होता है, न्यूटन शब्द का विलोम क्या होता है। देखिए ऑप्शन ध्यान से, तो यहाँ पे क्या होगा, और राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, क्या होगा, पुरातन। न्यूटन शब्द का विलोम क्या होता है, पुरातन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक एक शब्द का संधि विच्छेद है, एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक जोड़ एक, एक एक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो एक जोड़ एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख पा रहे हैं, गौराज शीर्षक रेखाचित्र के लेखक का नाम बताएं, गौराज शीर्षक रेखाचित्र के लेखक का नाम क्या है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। क्या होगा, महादेवी वर्मा। गौराज शीर्षक रेखाचित्र के लेखक का नाम क्या है, तो महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर करा कि सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद है, सद्वानी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ध्यान से देखिए ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी सत्य जोर वाणी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सत्य जोर वाणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव करा संज्ञा के कितने भेद है, संज्ञा के कितने भेद है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, संज्ञा कितने भेद है, तो चार, छः या फिर दो, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, पाँच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करा है कि दया शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी दया क्या है। देखिए ध्यान से ऑप्शन के, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग है, पुरुलिंग है, फिर उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो राइट क्या होगा, दया जो है स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ई हो जाएगा, दया क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन करा है, क्या कह रहा है कि प्रेमचंद्र का जन्म जो हुआ था, यानी कब हुआ था, प्रेमचंद्र का जन्म जो है कब हुआ था। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 1880। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, तो 1880। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट का है कि नाच ना आने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ है, नाच ना आने आंगन टेढ़ा इस मुहावरे का क्या अर्थ है। देखिए ऑप्शन को ध्यान से, यहाँ पे चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन कराया, देखिए ध्यान से क्या करा है, क्वेश्चन नंबर नाइन कराया कि पीताम्बर कौन सा समास है, पीताम्बर कौन सा समास है। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बहुवीर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बहुवीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन करा है पंच की जुबान से कौन बोलता है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी खुदा बोलता है, कौन बोलता है, तो खुदा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह करा कि क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि लालच शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी लालच क्या है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, क्या हो जाएगा, लालच शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ग्यारह का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी पुल्लिंग, लालच शब्द का लिंग निर्णय करें, लालच क्या है, पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर उसके बाद 12 का देख पा रहे, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर बतलाएं कि विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाला देश कौन सा है। देखिए ध्यान से, पाठ्य पुस्तक के अनुसार कौन सा देश हो जाएगा। देखिए ध्यान से, दिया भारत दिया हुआ, इंग्लैंड है, चीन है और जापान है, तो राइट की बात करें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा, नहीं भारत क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करा है, देखिए कह रहा है कि हिंदी के वचन, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, एक दो तीन या फिर चार, तो पता होगा आप सभी को, दो होते हैं, एकवचन बहुवचन, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, 13 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा, देखिए इनमें से रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन है, इनमें से रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन क्या होगा, 14 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय का संदेश। क्या होगा, हिमालय का संदेश रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा, जीवन संदेश। इनमें से कौन रामनरेश त्रिपाठी के सॉरी रचना है, तो जीवन संदेश हमारा संदेश नहीं होगा, जीवन संदेश ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। चलाइए क्वेश्चन नंबर 15 कराया, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म जो है कब हुआ था, गोपाल सिंह नेपाली का जन्म कब हुआ था। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 1911। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कराया कि करण कारक का विभक्त किन है, यानी कौन हो जाएगा। यहाँ पे चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, यानी से। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कविता कौमुदी के कवि कौन है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 17 का, 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो 17 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रामनरेश त्रिपाठी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। ऑप्शन को देखिए ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, नेत्री। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, नेत्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 का देख पा रहे, मंगल शीर्षक पाठ किसकी रचना है, मंगल शीर्षक पाठ जो है किसकी रचना है। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो किसकी रचना है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा, यानी प्रेमचंद्र। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे ए हो जाएगा, रामनीत बेनवड़ी सी बोल रहे हैं यहाँ पे। प्रेम मंगल शब्द मंगल शीर्षक पाठ मंगल पूछ रहे हैं यहाँ पे, हम थोड़ा ध्यान कन्फ्यूज हो गए। मंगल शीर्षक पाठ किसी रचना है, तो रामनीत बेनवड़ी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि दया शब्द का विशेषण होता है, दया शब्द का विशेषण क्या होता है, दया क्या हो जाएगा इसका विशेषण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा दयालु। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, दया शब्द का विशेषण क्या होता है, दयालु। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 क्या कर देखिए ध्यान से कह रहा है, जो अपनी भलाई चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो अपनी भलाई चाहता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा एक शब्द हो जाएगा यहाँ पे चार ऑप्शन में से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वार्थी। स्वार्थी किसको कहते हैं, जो अपनी भलाई चाहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 22 कर देख पाएंगे, बांग्लादेश की बुलबुल की उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर को किसने दी थी। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो किसने दी थी, तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा पिता ने, क्या किसने, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि मंगल शब्द का विशेषण होगा, मंगल शब्द का विशेषण क्या होगा, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा मंगलम। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल शब्द का विशेषण मंगलम हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है कि पांचवां कॉलम पुस्तक किसकी रचना है, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, पांचवां कॉलम पुस्तक जो है किसकी लेखक सॉरी किस लेखक की रचना है, तो देखिए ऑप्शन को ध्यान से, तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी नहीं हरिशंकर परसाई। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हरिशंकर परसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि दाल रोटी शब्द कौन सा समास है, दाल रोटी शब्द जो है ये कौन सा समास है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, जहाँ पे इस तरह का शब्द लगे बीच में हाइफन लगेगा उसको हम क्या मतलब वो कौन सा समास होता है, तो द्वि समास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा अनुपम। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से कर रहा है कि हरिशंकर परसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे, हरिशंकर परसाई किस रूप में प्रसिद्ध थे, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा चार ऑप्शन में से, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रसिद्ध व्यंगकार। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी प्रसिद्ध व्यंगकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, सॉरी 28 कर रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य के रहने वाले थे, रामधारी सिंह दिनकर जो है किस राज्य के रहने वाले थे, देखिए ध्यान से ऑप्शन को, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा बिहार। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, देखिए आश्रम शब्द का पर्यायवाची होगा, आश्रम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा आश्रम का पर्यायवाची जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं मठ। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि गिरिन शब्द का संधि विच्छेद करें, गिरिन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए चार ऑप्शन दिया ऑप्शन में, दो ऑप्शन ऊपर है और दो ऑप्शन क्या है नीचे है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गिरिजोर इंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, आप सब्जेक्ट को आप लोग दिखा देते हैं, सब्जेक्ट क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का भाव अर्थ लिखिए, देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, जब गरजे मेघ पपीहा बोले क्या कहते हैं बोले डोले गुलनारों में, लेकिन कांटों की झाड़ी में बुलबुल का गान कहीं सुंदर, तेरी मुस्कान कहीं सुंदर, इसको लिखना है या फिर ऑप्शन में और भी दिया हुआ है, दो में क्या है भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है भारत एक जल जिस पर जल का दाग न लगता, भारत एक संज्ञा विराग की उज्ज्वल आत्म उदय की, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का उत्तर देना है, दो ऑप्शन दिया आपके सामने, प्रेमचंद्र के जीवन और व्यक्ति का सामान्य परिचय प्रस्तुत करें या फिर ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक संबंध की समीक्षा करें। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा कराया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं पांच प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देना है, चार इतना ऑप्शन दिया आपके सामने, कितना ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आठ ऑप्शन है, आठ में से पाँच का देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कराया, निम्नलिखित क्या कहते हैं अवतरणों में से किसी एक अवतरणों का संक्षेपण कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको सामने दो चीज़ दिया हुआ है, संक्षेपण करना है, इसको बड़ा रूप में लिया हुआ है, आप इसको छोटे में उसी का मतलब सेम मतलब होना चाहिए, इस छोटे में लिखना है संक्षेपण का उसी वही होता है, यहाँ पे दो दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शन में। आगे क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि किसी एक पर निबंध लिखिए, यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिया दहेज प्रथा है, गणतंत्र दिवस है, सह शिक्षा है, उसके बाद आपकी प्रिय पुस्तक बेरोजगारी या फिर पुस्तकालय, इनमें से क्या बोलता है किसी एक पर निबंध लिखने बोलता है, ठीक है। फिर अथवा में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक का पत्र लेखन कीजिए, फिर यहाँ पर क्या है एक का पत्र लेखन बोलता है, आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या है कि पुस्तक खरीदने हेतु रुपये की मांग करते हुए अपने पिता के पास एक पत्र लिखिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या करके मासिक शुल्क माफ करने हेतु अनुरोध के साथ अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये था दो ऑप्शन, और आगे हम लोग देख लेते हैं।
तो आगे और यहाँ पे नहीं है, इतना ही से क्वेश्चन समाप्त हो गया है। तो यहाँ पे जो है जितने भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे हम लोग पूरे इस वीडियो में सभी को कवर कर लिए हैं। आप लोग इसको पूरी तरह से रट लीजिए, पूरी तरह याद कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ अभी जल्दी से जल्दी तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी फायदा हो सके। एग्जाम में जो जो देने जा रहे हैं तो जल्द इसको जरूर भेजिए ताकि उसको ज़रा फायदा हो जाए। यहाँ पर अगर आप लोग इसको पूरा अध्ययन कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यहाँ पर 50-60% क्वेश्चन अभी आने वाला है आप लोग का एग्जाम में। तो इसको पूरी तरह से रट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदा हो सके। चलिए हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आपके आपको क्या वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं अगले नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।